नमस्कार दोस्तों फ्रेंडशिप विथ मैथ चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर फोर्टीन देखने जा रहे हैं जो कि सम ऑफ स्पेशल इंटीग्रल से रिलेटेड है तो देखिए सम ऑफ स्पेशल इंटीग्रल में जो पहला एक्सरसाइज है इसमें तीन फार्मूला हम लोगों को याद रखना है पहला फॉर्मूला है इसका डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा इसका फॉर्मूला होता है वन अपॉन टू ए लॉग मॉड में एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी होता है जहाँ पे ए जो होता है कोई नंबर रहता है ठीक है यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर रहेगा बीच में किसका साइन रहेगा माइनस का रहेगा ऊपर में क्या रहेगा डी एक्स रहेगा इसका सेकेंड फार्मूला होता है हम लोगों को डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका रिजल्ट होता है वन अपॉन टू ए लॉग मोड में ए प्लस एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स प्लस ए होता है ठीक है और इसका थर्ड फॉर्मूला होता है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या इसको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ऐड में आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है पर इसको इस टर्म को लिखे या पल टर्म को लिखे तो इसका होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी ये इसका तीन रिजल्ट है ठीक है तो इस तीनों फॉर्मूला को हम लोगों को क्या करना है याद रखना है ठीक है अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन किस किस तरह के दिए हुए हैं हम लोगों को फोर्टीन ए एक्सरसाइज में ठीक है तो देखिए फोर्टीन ए एक्सरसाइज जो है हम लोगों को देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज फोर्टीन ए जिसका क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है डीएक्स अपन वन माइनस नाइन एक्स स्क्वायर ठीक है तो देखिए इसमें जितने सारे हम लोग फॉर्मूला देखे हैं एक्स स्क्वायर के पीछे में कोई नंबर यहाँ पे नहीं है ठीक है एक्स स्क्र के पीछे में कोई नंबर नहीं है वन को छोड़ के लेकिन यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायेर के पीछे में क्या है यहाँ पर कोफिशिएंट में क्या है नाइन है तो पहले हम लोग इस नाइन को यहाँ से हटाना पड़ेगा तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं नाइन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कॉमन ले लेंगे ठीक है तो देखिए ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन यहाँ से हम लोग नाइन कॉमन लेंगे तो नाइन यदि हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे तो वन में तो नाइन है नहीं तो नहीं है तो हम लोग क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा तो वन अपॉन नाइन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ठीक है इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में इस नाइन को हम लोग क्या करेंगे बाहर कर लेंगे तो नाइन डिनोमिनेटर में तो ये वन अपॉन नाइन हम लोग को बाहर हो गया ये हो जाएगा डी एक्स ये हो गया वन अपॉन नाइन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ठीक है अब देखिए ये डी एक्स अपॉन इस तीनों फॉर्मूला में क्या है दोनों पे क्या तीनों में दोनों टर्म में क्या रहना चाहिए स्क्वायर रहना चाहिए यहाँ पे देखिए हर फॉर्मूला में, है? स्कुर। स्कुर। में क्या दोनों पे क्या स्क्वायर है चाहे निगेटिव में हो या पॉजिटिव में तो इसको हम लोग पहले स्क्वायर के फॉर्म में पहले क्या करेंगे इसको लिख लेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन नाइन हो जाएगा ये हो जाएगा हम लोगों को डी एक्स अपॉन वन अपन नाइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं देखिए इसको लिखेंगे हम लोग वन अपॉन वन अपॉन थ्री का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि वन अपॉन थ्री का स्क्वायर कितना होता है वन अपन नाइन हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अब देखिए इसमें से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे सेट हो रहा है तो शुरू में क्या है नंबर है तो नंबर का मतलब क्या हो गया ये ए है तो ये ये हो, 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 हो गया तो इसका क्या हो गया ये ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये हो गया एक्स स्क्वायर हो गया तो देखिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे इसका डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फार्मूला यहाँ पे है ही यहाँ पे देखिए फॉर्मूला डी एक्स अपन ए स्क्वायर माइनस एक्सोर क्या होता है वन अपॉन टू ए लॉग ए प्लस एक्स अपन ए माइनस एक्स इसका हो जाएगा वन अपॉन टू ए तो टू इन टू ए के जगह पर कितना है वन अपॉन थ्री है लॉग मॉड में ए प्लस एक्स ए है कितना वन अपॉन थ्री प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स वन अपॉन थ्री माइनस एक्स हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा सी ठीक है तो देखिए यदि कोई नंबर पहले आ जाएगा तो समझ लीजिएगा कि ये क्या है ए का वैल्यू है ठीक है अब इस आई इसको हम लोग सॉल्व करेंगे देखिए इसका यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, ये यह हो जाएगा हम लोगों को देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि वन अपन नाइन सॉरी वन अपॉन नाइन है यहाँ पे देखिए ये वन अपॉन नाइन यहाँ पर छूटा हुआ है ये हो गया वन अपॉन नाइन इन टू में ये हो जाएगा ठीक है तो वन अपॉन नाइन इन टू ये हो गया वन अपॉन टू इन वन हो जाएगा टू अपॉन क्या हो गया थ्री हो जाएगा ठीक है ये वन अपॉन नाइन छूटा हुआ था यहाँ पर देखिए ये वन अपॉन नाइन एच डी हो गया, गया। इन टू बाद इसको हम लिख दिए तो वन अपॉन टू अपॉन थ्री हो जाएगा ये हो गया लॉग इसका एल्थीम लेंगे तो हो जाएगा थ्री तो हो गया वन प्लस थ्री एक्स अपॉन ये हो गया वन माइनस थ्री एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा थ्री प्लस क्या हो गया सी ये थ्री से थ्री यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये हो गया वन अपॉन नाइन इन टू है वन अपॉन टू अपॉन थ्री थ्री कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया थ्री अपॉन टू हो जाएगा लॉक ये वन प्लस थ्री एक्स अपॉन में वन माइनस थ्री एक्स प्लस सी हो जाएगा अब थ्री सी इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो थ्री टाइम्स में आएगा तो फाइनली देखिए इसका आंसर हो गया हम लोगों को ये हो गया वन इंटू वन यहाँ पर वन है तो वन इंटू वन तो वन ही हो जाएगा अपॉन थ्री टू जो हो गया सिक्स लॉग वन प्लस थ्री एक्स अपन में वन माइनस थ्री एक्स प्लस सी तो ये इसका आंसर हो गया तो उम्मीद करते हैं दोस्तों तो को ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब उन्हें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन भी हम लोग को सेम्यू सी मेथड से बनेगा यहाँ भी देखिए एक्स के पीछे में क्या फोर है तो पहले फोर हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को डी एक्स अपॉन फोर हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर फ्री होना चाहिए तो फोर यदि हम लोग कॉमन लेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर क्योंकि यहाँ पर तो फोर है नहीं तो डिवाइड में जाएगा माइनस ये हो गया एक्स स्क्वायर हो जाएगा ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए फोर तो डिनोमीटर में है तो वन अपॉन फोर क्या होगा बाहर आ गया ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अगला स्टेप में देखिए ये हो गया वन अपॉन फोर इसको दोनों का स्क्वायर के, के फॉर्म में लिख देंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स हम लोग जान रहे हैं कि फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव होता है टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा तो ये हो जाएगा फाइव अपॉन टू का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर लिखेंगे अब देखिए यहाँ पे शुरू में क्या है नंबर है यहाँ पे देख रहे हैं फाइव अपॉइन टू क्या है नंबर है तो फॉर्मूला सेम लगेगा डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है वन अपॉन फोर तो टी तो रहेगा वन अपॉन टू ए तो टू इन टू ए के जगह पे हो गया फाइव अपॉइन टू लॉग मॉड ए प्लस एक्स ए प्लस एक्स का मतलब हो गया ए है फाइव बाई टू प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस क्या हो गया सी हो जाएगा ठीक है अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हो गया हम लोगों को देखिए यहाँ पे ये यह टू से टू यहाँ पे क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा तो वन इंटू वन हो गया वन अपॉन फोर फाइव जहाँ हो गया ट्वेंटी लॉग मॉड यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले, 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 ले लेंगे तो हो जाएगा टू सीएम हो जाएगा ये हो जाएगा फाइव प्लस टू एक्स अपॉन एल्सीम यहाँ पे भी टू आ जाएगा यह हो जाएगा फाइव माइनस टू एक्स प्लस सी ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली हम लोग का आंसर हो गया वन अपॉन ट्वेंटी लॉक फाइव प्लस टू एक्स अपॉन में फाइव माइनस टू एक्स प्लस सी ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया ठीक है बहुत आसान है दोस्तों आप लोग इसको खुद से भी कर सकते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग यह दिया गया है ठीक है तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के पीछे में कोई कॉफिशेंट नहीं है ठीक है फ्री है एक्स स्क्वायर फ्री है तो यहाँ से डायरेक्ट फॉमूला लगा सकते हैं लेकिन प्लिस को क्या करेंगे स्क्वायर के फॉर्म में प्लिस को लिख देंगे तो देखिए ये हो जाएगा डी एक्स अपन एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस सिक्सटीन कौन लिख सकते हैं फोर का स्क्वायर ठीक है तो यहाँ पर देखिए ये तो एक्स ही रहे एक्स है ये और ये क्या है ए है ये एक्स है और ये क्या है ए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में डी एक्स अपन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं देखिए पहले डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है ठीक है इसी फॉर्मूला पर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन ए तो वन अपॉन ए ए देखिए ए की जगह पर हम लोग कितना है फोर है टेन इनवर्स एक्स एक्स के जगह पर एक्स ही है अपॉन ए फोर प्लस सी तो ये हम लोगों का इसका क्या हो गया आंसर हो गया तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था सिर्फ यहाँ पे देखना था कि एक्स स्क्वायर जो है सो मतलब फ्री है कि नहीं यदि एक्स स्क्वायर यदि फ्री रहेगा तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे और एक्स स्क्वायर यदि फ्री नहीं रहेगा वन को छोड़ के यदि कोई नंबर रहेगा तो हम उसमें क्या करेंगे कॉमन लेंगे और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर फोर नंबर क्वेश्चन हम लोग ये दिया गया है तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के पीछे में क्या है नाइन है फ्री नहीं है एक्स स्क्वायर वन को छोड़ के और वन को छोड़ के यहाँ पर कितना है नाइन है यहाँ पर ठीक है ना तो वन यदि रहता तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे एक्सक्र को ऑप्शन नाइन है तो पहले हम लोग क्या करेंगे नाइन को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे देखिए यहाँ पे ये यह हो जाएगा डी एक्स अपॉन नाइन हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे आप तो यहाँ पर तो नाइन है नहीं तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा नाइन से प्लस यहाँ से नाइन हटेगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में देखिए नाइन डिनोमिनेटर में है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन ये हो जाएगा फोर अपॉन नाइन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसको क्या करेंगे स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे ठीक है ये क्या है फोर अपॉन नाइन है ठीक है देखिए ये वन अपॉन्ट नाइन इट इज रहेगा ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन फोर अपॉन नाइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं टू अपॉन्ट थ्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस क्योंकि टू का स्क्वायर फोर होता है थ्री का स्क्वायर नाइन तो टू अपॉन्ट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा फोर अपॉइन्ट नाइन हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो ये देखिए शुरू में नंबर है तो ये हो गया आपका ए हो गया और ये क्या है एक्स है तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहिए तो फॉर्मूला सेम ही लगेगा वन बाई ए टेन इन्वर्स एक्स बाई तो हो one upon one A. ये होगा वन अपॉन नाइन तो एच रहेगा इन टू वन बाई ए ए के जगह पे कितना है ए है हम लोगों को टू अपॉन थ्री है टेन इनवर्स एक्स एक्स ते एच रहेगा बाई ए एक जगह पर कितना है टू बाई थ्री है प्लस क्या हो गया सी हो गया ठीक है अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में तो ये हो गया हम लोगों को वन अपॉन नाइन हो गया इन टू ये क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा थ्री अपॉन टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स ये क्या होगा टू अपॉन थ्री क्या होगा रेसिप्रोकल होगा क्योंकि नंबर अपॉन फ्रैक्शन है तो ये थ्री चला जाएगा ऊपर चला जाएगा और टू आएगा नीचे आएगा ठीक है रेसिप्रोकल कर दिया प्लस सी हो गया यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे थ्री के टेबल से तो हो गया हम लोगों को वन अपॉन सिक्स टेन इनवर्स कितना थ्री एक्स अपॉन टू प्लस सी ये इसका आंसर हो गया तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो कहीं डाउट हो तो कहीं डाउट हो तो आप लोग कमेंट के जरिए पूछ भी सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए फाइव नंबर क्वेश्चन हम लोग ये दिया गया है तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के पीछे में क्या है टू है तो हम इसको क्या करेंगे पहले कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को डी एक्स अपॉन टू यहाँ से कॉमन लेंगे ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव अपॉन टू प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ठीक है इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप हम लोग वन अपॉइन टू बाहर ले लिए हो जाएगा डी एक्स अपन ट्वेंटी फाइव प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अभी इसको सॉल्व करेंगे देखिए ये हो गया वन अपॉन टू डी एक्स अपॉन ट्वेंटी फाइव को लिख सकते हैं फाइव का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं तो शुरू में नंबर है तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया एक्स हो गया तो फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये है वन अपॉन टू तो वही सेम ही रह गया इंटू वन बाई ए तो वन अपॉन ए के जगह कितना है फाइव टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है तो एक्स अपॉन फाइव हो गया ठीक है प्लस सी अगला स्टेप में इसका आंसर हो गया वन अपॉन टेन टेन इनवर्स एक्स अपॉन फाइव प्लस सी ये इसका आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए सिक्स नंबर क्वेश्चन हमें यह दिया गया है तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर पीछे में कितना सिक्सटीन है एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कितना सिक्सटीन है तो हम लोग कॉमन ले लेंगे पहले सिक्सटीन को क्योंकि एक्स स्क्वायर फ्री रहना चाहिए तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन यहाँ सिक्सटीन हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस ट्वेंटी फाइव अपन क्या बचेगा यहाँ पे सिक्सटीन बचेगा नेक्स्ट स्टेप में सिक्सटीन तो डिनोमिनेटर में है तो ये हो जाएगा वन अपन सिक्सटीन कॉमन आ गया ये हो गया डी एक्स अपॉन देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन सिक्सटीन अब इस दोनों को क्या करेंगे स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख लेंगे पहले तो ये हो जाएगा वन अपॉन सिक्सटीन इंटून साइन डी एक्स इसको लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन सिक्सटीन को हम लिखेंगे फाइव बाई फोर का स्क्वायर तो ये देखिए क्या है ये x है और ये क्या नंबर क्या है a होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो ये होता है वन अपॉन सिक्सटीन तो एच डी रहेगा इंटू वन होता है फॉर्मूला टू ए टू इंटू ए ए के जगह कितना है हम लोगों को फाइव अपॉन फोर है लॉग एक्स माइनस ए एक्स हम लोग का एक्सी है माइनस ए के जगह पर हो जाएगा हम लोग कितना फाइव अपॉन फोर हो जाएगा अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस कितना का फाइव अपॉन फोर प्लस सी हो जाएगा ठीक है अब देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को वन अपॉन सिक्सटीन इन अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वन अपॉन टू से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा फाइव अपॉन टू हो जाएगा ठीक है टू एट तो से कैंसिल कर दे फाइव अपॉन टू हो जाएगा लॉग एल लेंगे यहाँ पर तो फोर हो जाएगा तो हो जाएगा फोर एक्स माइनस फाइव अपॉन में ये हो जाएगा फोर ये हो जाएगा फोर एक्स प्लस फाइव प्लस क्या हो गया सी हो गया ये फोर से फोर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ठीक है अब देखिए ये हो जाएगा वन अपॉन सिक्सटीन इन फाइव अपॉइन्ट टू का डी प्रोकल हो जाएगा क्योंकि वन नंबर अपॉन क्या है फ्रैक्शन है तो ये हो जाएगा टू अपॉन फाइव लॉग यहाँ पर हो जाएगा फोर एक्स माइनस फाइव अपॉन में हो जाएगा फोर एक्स प्लस फाइव प्लस सी हो जाएगा ठीक है अब इसे अगला स्टेप में देखिए ये कटेगा कैंसिल होगा टू एट या एट फाइव या फोर्टी हो गया तो ये हो जाएगा हम लोग वन अपॉन फोर्टी लॉग मॉड में फोर एक्स माइनस फाइव अपॉन में फोर एक्स प्लस फाइव प्लस सी ये इसका आंसर होगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कहीं डाउट हो दोस्तों तो कमेंट के जरिए पूछ भी सकते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग